एक चीज की मुझे बहुत ज्यादा खुशी है और वो है ये सब। अरे कहाँ पहुंच गए यार, चलो उधर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों पीछे आप देख रहे हैं कि सब कुछ हट गया। जो बर्ड्स अवेरी इतनी मतलब यकीन माने दिल से बनाई थी इस जगह पे, पूरी खाली हो गई और ऐसे लग रहा है जैसे बस वही एक पिंजरा था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रौनक थी। मतलब देखे ना, पूरा खाली हो गया, तोतों को यहाँ पे कर दिया हमने और जो हमारी फिंच हो यहाँ उनको भी मैं यहीं कर दूंगा। और सिर्फ हमारे इधर तीतर हैं, काला तीतर और वो दो तीतर, बाकी सब जो है दोस्तों ऊपर शिफ्ट हो गया। एक्सपेक्ट नहीं था, मैंने पहले भी आप लोगों को नहीं बता पाया था, सिर्फ ये बता दिया था कि होगा। तो दोस्तों चलता हूँ मैं छत पे। और दोस्तों हमारे ये पौधे जब हम ये कर रहे थे शिफ्टिंग, तो मैंने बोला यार इनको भी ऊपर रख दूँ ताकि धूप लग जाएगी, तो इनको आज हमने ऊपर रख दिया। ये तो नीचे ही जाएंगे क्योंकि ये अगर हमने ऊपर रखे तो ये हमारे जितने जानवर हैं इनको तबाह कर देंगे। खैर दोस्तों एक चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और वो है ये सब। ये देखें दोस्तों, ये आ गया हमारा जो हो गया पूरे का पूरा, जो केज खाली था वो सब मुर्गों से भर गया है, बच्चे मुर्गे मुर्गियाँ, और वो जो केज है उसके अंदर हमने अभी कबूतर और हमारे जो हैं कॉकटेल ऊपर शिफ्ट कर दिए हमने। बाकी दोस्तों ये केज जो है आप पहचान गए, ये हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया है और हमारे जितने तोते हैं वो सब बहुत खुश हैं माशाल्लाह से। बस मैंने एक केयर रखनी है दोस्तों, जो कि मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही है इस बारे में कि हवा जिस तरीके की चल रही है आप लोगों को पता है ये बहुत ही नाजुक परिंदा होता है दोस्तों। ये हो गए और डव्स भी हमारी, तो डव्स हमने इसके अंदर रखी हैं, ये हो गए सारे के सारे, तो ये सब बहुत नाजुक होते हैं। तो मुझे सिर्फ इस चीज़ की परवाह है कि ये सारे कहीं बीमारी की लपेट में ना आ जाए हवा की वजह से। बाकी दोस्तों डव और ऑस्ट्रेलियन हमने ऊपर कर दिए हैं और इसके अंदर होगरोमो हैं, अलग अलग कर दिए हैं पेयर, ये भी ये रेड जो हमारी जिन्होंने अंडे दिए हुए थे, और बाकी ये रहा एक होगरोमो का पेयर। तो दोस्तों बस शिफ्टिंग हो गई, अब ये यहीं रहेंगे और माशाल्लाह से अब लग रहा है दोस्तों कि हाँ छत पे हमने अच्छा खासा सेटअप अच्छा कर दिया है सारों का। तो खैर चलें इनको पहले खोल दूँ और फिर मैंने आपको बताना भी है कि ये बर्ड्स अवेरी ऊपर क्यों आई है। चलो भाई पहले किसको खोलूं, पहले दोस्तों खोलते हैं हम इसको। इसका नाम दोस्तों मैंने शिकरा रख दिया, अच्छा है ना, तो सुकून शिकरा प्यारा लग रहा है नाम। आ जाओ, अरे चलो चलो भाई तुम भी आ जाओ। बस ये हवा चलती है ना इससे लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। दोस्तों शिकरे को मैं खोल दूंगा, इसको बाद में खिलाऊंगा क्योंकि ये जो है ना हमारा बच्चा ये शिकरे से लड़ता है और बहुत खतरनाक किस्म का लड़ता है। चलो भाई आ जाओ, तुम भी आओ ना बाहर। वाइट वाला बच्चा भी दोस्तों हमने ऊपर ही शिफ्ट कर दिया है, अब ये भी इन्हीं के साथ रहेगा और माशाल्लाह से सारे एक साथ रहते हैं। पिटोगे सारे हाँ अगर करोगे। चलो भाई अब इनको दाना डाल दूँ। दोस्तों कमेंट में लाजमी बताइएगा सेटिंग कैसी लगी, और अगर एक रिक्वेस्ट है मेरी, अगर कोई नए मेरा भी इस चैनल को देख रहा है, कोई भी दोस्त मेरा और कोई भी जानने वाला, तो दोस्तों सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल घर में शौक को लाजमी सब्सक्राइब कर दें अगर आप लोगों को मेरा ये सेटअप पसंद आया है तो। हाँ हाँ किसी को भी नहीं खाने देना भाई, सबको भगा दिया, वो बेचारी भाग रही है पागलों की तरह, सबके सब वैसे ही घूम रहे हैं। और शिकरे ने ना अपना केले का माल समझाया, ये देखें ये देखें, शिकरे को बंद करना पड़ेगा मुझे लग रहा है वरना खाने नहीं देगा। यार बत्तखों को भी खोलना है, बत्तखों को खोलूंगा ना फिर ये भागेंगे, थोड़ा सा ठहर के खोलूंगा दोस्तों, पहले ये थोड़ा खा वाले क्योंकि बत्तख है ना फिर इन लोगों से लड़ती हैं, शिकरा भी लड़ेगा तो थोड़ा सेटिंग, ये लोग आपस में दोस्ती कर लेंगे जल्दी। कहाँ गई यार, पता नहीं कहाँ रख दिए हैं। यार दोस्तों हमारा जो बर्ड अवेरी का सेटअप था ना उसकी दो वो पड़ी हुई थी पानी की जो कटोरी लगाते हैं वो गायब हो गई हैं, पता नहीं कहाँ ढूंढ ढूंढ के थका हुआ हूँ। अब इनको पानी भी डालना है, वो देखें दाना तो मैंने डाल दिया था पर पानी लाजमी डालना है, अब वो मैं ढूंढ रहा हूँ, ढूंढता हूँ भाई और क्या करूँगा। दोस्तों पूरे 20 मिनट की सर्च के बाद और कटोरियां ढूंढने के बाद मुझे याद आया कि कटोरियां जो है हमने वो कॉकटेल के इसके अंदर डाल दी हैं, ये देखें एक गेरी तो वहाँ कैसे ज़्यादा होंगी।
क्योंकि एक तो उसके खाने में लगी हुई थी तो हमने इसमें शिफ्ट कर दिया और इसमें लगी हुई नहीं थी। भाई दिमाग चलता ही नहीं है, गर्मी ने दोस्तों बहुत बुरा हाल करा हुआ है। चलो भाई जल्दी जल्दी खाओ, मैं हमारा जो शिकरा है दोस्तों उसको बंद करूंगा और इसको खोलूंगा। दोस्तों वो जो था हमने शिकरे को बंद कर दिया है और खोल दिया है अपने इस वाले बच्चे को माशाल्लाह से, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। लेकिन ये भाई का है, हो सकता है बेच दें, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे मुर्गे हैं हमारे पास। एक तो नीचे हीरा, फिर काला खान और इतने सारे वो, और उसके बाद ये सारे के सारे, तो बहुत ज़्यादा आपको पता है हो जाता है। तो खैर दोस्तों ये भी हमारा खाने में लगा पड़ा है माशाल्लाह से, माशाल्लाह से। दाना मैंने सबको यहीं डाल दिया है और ये शुक्र है अल्लाह का लाख लाख कि आज हवा बहुत अच्छी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो सिर्फ हवा का मैं क्या बोलूँ, अल्लाह पाक तेरा बहुत बहुत शुक्र है, आज बहुत अच्छी हवा है। जो एक गर्मी की तपिश तो है लेकिन हवा उसको कम कर रही है काफ़ी। खैर खड़े कहाँ पहुँच गए यार, चलो उधर। मैं इस वजह से दोस्तों मैं इनको अकेले छोड़ के नहीं जा रहा, आज मैं इनको बंद करके जाऊंगा ताकि जब हम इसको सेट कर देंगे नीचे दोस्तों, शाम में ले जाके मैं करूंगा, तो फिर कल से फिर इनको खुला छोड़ दिया करूंगा ताकि ये घूमते रहें। और ये जो हमारे पौधे इन पे अब मेरे को ध्यान देना है दोस्तों, अब सुकून से ध्यान दे दूंगा, क्योंकि वो नहीं है ना वहाँ पर बड़ा केज भी, तो आराम से अब हम अच्छी सी सेटिंग करेंगे। क्या मसला है, जाओगा चलो। तो अब एक बात बताता चलूँ, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि बर्ड्स अवेरी मेरी ऊपर क्यों आई है, तो दोस्तों बर्ड्स अवेरी इस वजह से ऊपर आई है क्योंकि दोस्तों मेरी जो वालदा हैं तो उनको सांस का काफ़ी प्रॉब्लम है दमे का, तो इनके जो होते हैं दोस्तों तोते वगैरह इनके वो होते हैं पर वगैरह, वो एलर्जी की मरीज़ हैं, तो फिर एलर्जी की वजह से हमें ये ऊपर शिफ्ट करने पड़े हैं, वरना काफ़ी मसला होता। और डॉक्टर ने बोला था कि उस जो आपके पास जो भी बर्ड्स हैं या पैरोट्स हैं तो उनको आप ऊपर ले जाएँ, ख़ास तौर पे इन बजेस का बोला था और ये जो छोटे वाले होते हैं कि इनको आप लाजमी ऊपर ले जाएं, इनकी वजह से आपकी वालदा को बहुत ज़्यादा सांस हो रहा है, तो उस वजह से हमें लाने पड़े ऊपर। और दोस्तों माँ से पहले कोई चीज़ नहीं है, तो मुझे कुछ भी नहीं था, मैंने उनको बोला कि आज के दिन ही, इसलिए दोस्तों कल हमारा बिल्कुल इरादा नहीं था, हमने कल में जल्दी जल्दी में फ़ौरन निपटाया क्योंकि मम्मा की तबीयत काफ़ी ख़राब थी तो हम नहीं देख पाते थे भाई, तो हमने बोला नहीं पहले इसको करो शिफ्ट ताकि वालदा सेट होंगी। तो भाई सीधी बात, हमारे लिए पहले वालदा हैं, पेरेंट्स हैं, बाद में कोई चीज़ है। तो बाकी दोस्तों ये एक छोटी सी वजह थी, तो इस वजह से हमने बर्ड्स अवेरी को ऊपर शिफ्ट करा, और जब ये करा तो हमने लगे आ तो इस सेटअप को भी बेहतरीन कर दिया। अब दोस्तों हमने कुछ भी चीज़ें ला के डाल सकते हैं और मेरी काफ़ी चीज़ों की बात भी चल रही है, देखें हल्के हल्के करके इंशाल्लाह यहाँ पूरा भर देंगे हम। बाकी दोस्तों इनको भी खोल दूँ यार, काफ़ी देर हो गई है। आ जाओ भाई, जाओ जाओ। दोस्तों एक और चीज़ दिखा दूँ आप लोगों को, जो हमारी रह गई थी कॉकटेल, कॉकटेल का जोड़ा जो है वो हमने यहाँ शिफ्ट करा, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब मेरे को ये है कि इनको मैं ना पूरा ढक दूंगा, पैक कर दूंगा ताकि ये हो कि ये ब्रीडिंग कर सकें और अंडे दे दें, क्योंकि हवा की वजह से इनको लगने नहीं देता, इनका काफ़ी केयर करनी पड़ती है, इस वजह से मुझे केयर करनी है बस, क्योंकि ये अब छत पे आ गए दोस्तों। दोस्तों चलें अब इनको बंद करने का टाइम हो गया, मैं इन्हें करने जा रहा हूँ बंद, और सबसे उसी के साथ साथ मैं अपना आज का व्लॉग यहाँ पर ही एंड कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरा जो ये सेटअप है मिनी छोटा सेटअप, अभी भी दोस्तों मिनी ही कहलाएगा, इतना बड़ा नहीं है, तो लेकिन जो भी है मुझे बहुत पसंद है भाई, तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ मेरा ये सेटअप मिनी छोटा पसंद आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज के व्लॉग पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आया तो मेरे इस व्लॉग को लाइक कर दें और मेरे चैनल घर में शौक को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक नए व्लॉग के साथ, अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।